दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट आउटलाइंस प्रोवाइड करूंगा ट्रांसक्रिप्शन नंबर 397 से लेकर ट्रांसक्रिप्शन नंबर 401 तक की। जैसा कि शुरू से बोलता आया हूं, अगर आपके पास इनसे कुछ अच्छी आउटलाइंस हैं तो आप उनको शेयर करके बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन्हें यूज़ करके अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपने चैनल पहली बार विज़िट किया है तो आप प्लेलिस्ट में पिछली जितनी भी 6 वॉल्यूम तक की शॉर्ट आउटलाइंस हैं वो भी वहाँ से ले सकते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन 397 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से ऑफ इंडिया हटा दिया और ये बन गया हमारा गवर्नमेंट। रिसोर्सेज के लिए आपने आर डबल करके SES का सर्कल लगा दिया है, वो हो गया रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आप देखेंगे एग्रीकल्चरल पे ही आपने PR और शन की हुक लगा दी है, ये हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फार्मर्स लाइन से नीचे MR और S का सर्कल आपने लगाया है, ये हो गया फार्मर्स। रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने छोटा R बनाया है और उस पर S का सर्कल लगा दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द लाइन आपने D बना के सेशन लगा दिया है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 398 की बात करें तो आता है रेवेन्यू। R डबल करके आपने U इसमें लगा देना है, ये हो गया आपका रेवेन्यू। वर्किंग आया है वर्क से, वर्क पे आपने NG लगा दिया, ये हो गया वर्किंग। अब आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वैसे तो लिखा जाता है डबल, P को डबल करके लिखा जाता है, लेकिन अगर आप ये आउटलाइन भी बनाएंगे तो सफिशियंट है, क्योंकि ऐसी आउटलाइंस क्लैश नहीं करेगी किसी के साथ। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 399 में भी ज़्यादा वर्ड नहीं है। एक्सप्रेस्ड और एक्सपीरियंस, देखिए ये मिलते जुलते ही वर्ड्स हैं, क्योंकि एक्सप्रेस्ड निकला हमारा एक्सप्रेस से, फिर आया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेसिंग, इस तरीके के। K डबल करके आपने SG लगा दिया, ये हो गया आपका एक्सप्रेस्ड। और K डबल करके ही आपने नीचे को NS लगा दिया, तो ये हो गया एक्सपीरियंस। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 400 की बात करें तो आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बनाता हूँ, डिसजॉइन करके मैं इसको नहीं बनाता हूँ, साथ में ही बनाता हूँ ताकि पेंसिल उठाने की ज़रूरत ना पड़े और फ्लो में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा बन जाए। इसके बाद है सर्विसेज, लाइन से नीचे एस डबल आपने किया, वो हो गया आपका सर्विसेज। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रिपीट हुआ है। रेवेन्यू भी हमने पीछे बनाया, हमने यू पे एस का सर्कल लगा दिया, साथ में हमारा हो गया ये रेवेन्यूज़। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 401 की। तो जैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ पे डी हमने थ्रू द लाइन बनाया और सेशन की हुक लगाई है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपने TR बनाना है थ्रू द लाइन और सेशन की हुक लगानी है और कन का डॉट लगाना है पहले, ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट लाइन से नीचे आप ऐसे बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने PR पे ही STR लगा दिया है, ये हो गया प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइस्टर इस तरीके से बहुत रेयर ही कुछ आएगा, सो प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं साइमल्टेनियसली की। तो अगर नीचे पहले आपने बनाया सिमिलर और सिमिलर से अगर आपने डिसजॉइन करके एल लगा दिया तो ये हो गया आपका साइमल्टेनियसली। अगर आपने सिमिलर पे ही एल लगा दिया जाता तो ये हो जाता सिमिलरली। वर्कर्स, जैसा कि मैंने कहा वर्क से निकल के आया है ये भी, वर्क, वर्कर्स, वर्कड, वर्किंग, ये सभी एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। तो आता है वर्कर्स, तो वर्क को आपने डबल कर देना है, इसका सर्कल लगा देना है, ये हो गया आपका वर्कर्स। लास्ट वर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल आप देखेंगे कि ये VL बनाया है मैंने इस तरीके से, आप इसे हाउ एवर से क्लैश नहीं कर सकते क्योंकि हाउ एवर में R लगता है और इसमें है L की हुक, सो ये हो गया अवेलेबल। सो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है क्लास में, वर्ड्स रिपीट ही होते हैं, इसीलिए मैं शुरू से ये चीज़ कहता आया हूँ, अगर आपने कोई भी 5 से 6 वॉल्यूम अगर कैलाश चंद्रा की अच्छे से कंप्लीट करी हैं और आपको उनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई है, मतलब 98%, 97%, इससे ऊपर ही अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है तो इट मींस आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी इन पे नहीं है तो आपको इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रादर देन आप नई नई आउटलाइंस लिखें या नई नई मैगजीन्स लिखें, इधर उधर की मैगजीन्स पकड़ें, ये करने की बजाय आप कोई भी मैगजीन्स लें, लेकिन 5 से 6 वॉल्यूम्स आपको फिनिश करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में अगली ट्रांसक्रिप्शन के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप जैसे जैसे लाइक्स प्रोवाइड करते हैं, कमेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आपको वीडियोस की ज़रूरत है और आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में अगले ट्रांसक्रिप्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।